गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित प्लानिंग का आरोप अमेरिका भारत पर लगाता रहा है इस मामले में अब भारत के समर्थन में रूस खड़ा हो गया है अच्छा ने बोला कि साहब आपके पास एविडेंस वेविडेंस तो, तो कुछ है नहीं आप ऐसी भारत के पीछे पड़े रहते हो कि भाई पन्नू को ठोक दिया इसको ठोक दिया उसको ठोक दिया हिस्ट्री इस वक्त अमेरिका की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन और इनकी कॉर्पोरेशन इज रन बाय इंडियंस। क्यों वजह क्या है अमेरिका जो है वो चूंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है चाइना के में बढ़ रहा है चाइना ने फ्रांस में खड़े होकर पूरा जो दस नुकाती एजेंडा दस्तुका मश्रे जारी की है आज रशिया का बड़ा स्टेट बहुत स्टेट उनका मुजम्मत आई है वॉट इज इज नॉन सेंस यू आर यू आर यू नो यू कॉलोनियल सॉर्ट ऑफ माइंडसेट आपका माइंडसेट ही खराब है अब अमेरिका का जो शिफ्ट एक आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है

नमस्कार दोस्तों जयहन रशिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उसमें कहा है कि इनके जानकारी के हिसाब से यूएस इलेक्शन के दौरान भारत में नुकसान पहुंचाना चाहता है रशिया ने खालिस्तान मामले पर भारत का समर्थन किया और यूएस को लताड़ा एक बार फिर रशिया ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत को अकेला मत समझो हम भारत के साथ हमेशा खड़े है खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के मामले में अब रूस भारत के साथ खड़ा है उसने अमेरिका के दावों का खंडन किया और इसे भारत का अपमान करार दिया इसके अलावा रूस ने अमेरिका पर भारत के अंतरिक्त मामलों के दखल देने का भी आरोप लगाया हाल ही में अमेरिका ने पन्नू की हत्या करने की साजिश में रॉ के अधिकारियों के शामिल होने की बात कही थी रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ने आरोप लगाया की अमेरिका भारत के की अंतरिक्त राजनीतिक स्थिति को असंतुलित करने की कोशिश कर रहा है उन्होंने कहा वाशिंग्टन में भारत की राष्ट्रीय मानसिकता और इतिहास की आम समझ की कमी है क्योंकि अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर निराधार आरोप लगाता जा रहा है वॉशिंग्टन की गति

एंड आप जो है भारत के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो विच इज नॉट विच इज नॉट ओके उसके बाद रशिया ने बोला कि साहब यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द कंट्री ड्यूरिंग लोकसभा पोल्स की साहब आप इलेक्शन चल रहा है उस टाइम पे ये सब आप कर रहे हो दैट मीनस यू आर पर्पसफुल डूइंग दिस और आपका जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो भारत का नेशनल जो माइंडसेट है और जो भारत जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो कभी नहीं समझ पाएगा ना आप समझते हो ना समझ सकते हो ना समझने की कोशिश भी करते हो उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब भारत को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो बिकॉज इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल पावर आप इस तरह से भारत को नहीं डील कर सकते बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड कंट्री आपको एक भारत को समझना चाहिए भारत की बहुत पुरानी रिलेशनशिप है उसमें तो कोई उसमें तो कोई बात ही नहीं है एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नो दैट ये ये रिलेशनशिप टाइम टेस्टेड है बहुत टाइम से चल रही है भारत की रिलेशनशिप हैज बीन वेरी वेरी स्टेबल कुछ नहीं है रशिया को भी दिखता है कि यार भारत के ऊपर इस तरह से अटैक चल रहे हैं काफी हद तक ये तो धनाधन दन, धनाधन दन, लगे हुए हैं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट इसी चक्कर में दिया है भारत ने बोला उनको स्टेटमेंट देने के लिए नहीं बिल्कुल नहीं भारत की तरफ से क्यों कोई बोलेगा कि भाई आप हमारे लिए स्टेटमेंट दो हम लड़ नहीं पा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है देर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट ठीक है सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये गेम है रियल पॉलिटिक की ठीक है यहां पर रशिया को पता है कि साहब इस टाइम पे भारत गुस्सा है भारत का थोड़ा सा गुस्सा ऊपर हो रखा है और अमेरिका जो उल्टे काम कर रहा है भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और भारत गुस्सा है यही अच्छा टाइम है भारत के साथ खड़े होने का और थोड़े से भारत को अपने साथ खींचने का इतना तक बताऊं कि अप्रैल में भारत ने रशिया से ज्यादा तेल लिया है चाइना से चाइना अभी थोड़ा ईरान के पीछे पड़ा हुआ है ईरान से थोड़ा ज्यादा फेवर कर रहा है तो भारत ने जाके ज्यादा तेल उठाया है रशिया से अच्छा और चाइना के बीच में ना थोड़ी सी टेंशन चल रही है टेंशन चल रही है जनवरी से जहां अमेरिका ने बोला है कि साहब चाइना की जो भी कंपनी अभी रशिया के साथ काम करेगी हम उसको ठोकेंगे आपको याद होगा अमेरिका ने एक इंडियन कंपनी को भी सैंक्शन करा और कोई चार पांच कंपनी को सेंशन करा और दो तीन चाइनीज बैंक को भी सैंक्शन करा भारत को फर्क नहीं पड़ा भारत ने बोला ठीक है यार जो तुमको करना है करते रहो हम अपना काम करते रहेंगे तो हम लोग लगे हुए हैं कोई टेंशन नहीं है चाइनीज गए घबरा चाइनीज ये तो पंगा हो जाएगा इज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाइनीज ने रशियन रूबल लेने से मना किया जो चाइनीज के पास पैसे पूसे पड़े थे वो भी रिफंड करने शुरू कर दिए और ये जनवरी में, में, में बताया था ये पिकअप किया था तो, ये होनी शुरू हुई। तो, थोड़ा तो काफी सपोर्ट करते हैं है, लेकिन बैक एंड में आपको पता कैरेक्टर्स तो रशिया ने यार ये करने की क्या कोशिश रहा है तो ठीक है रशिया ने बोला यार अगर तू मेरे दुश्मन के साथ खड़ा होता है तो मैं तेरे दुश्मन के साथ खड़ा हो जाता हूँ तो रशिया ने तीन एक ही स्टेटमेंट से तीन चार चीजों को एक साथ लात मारी है वन इज अमेरिका को एक मैसेज गया है है कि देखो भाई ऐसा है, आप अगर सोचते हो कि आप भारत को तंग कर लोगे और कोई भारत के साथ नहीं खड़ा होगा ऐसा नहीं है हम आपके साथ खड़े होंगे और आप देखिए अभी धीरे धीरे करके ग्लोबल साउथ से भी काफी स्टेटमेंट इधर उधर आने शुरू हो जाएंगे यू विल फाइंड दैट है भारत अभी रियल पॉलिटिक गेम खेलनी शुरू करेगा जयशंकर जी ने बोला था कि साहब दिस इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट जब हमारा जवाब आएगा फिर रोना मत एक तो जो रशिया है वो ना सिर्फ ये अपनी टेक्टिकल टे, टेक्टिकल एक्सरसाइज कर रहा है वो स्पेस के अंदर भी एटॉमिक अपना स्टेशन बनाना चाहता है और वो अपने उनके अमेरिकन सैटेलाइट्स जो है उनको वहां से तबाह करने की सलाह तो अपनी इंक्रीज करना चाहता है अमेरिकन परेशान है इस चीज पे परेशान होना भी चाहिए कौम जब जज्बे खत्म हो जाए कॉम के अंदर नेशनलिज्म खत्म हो जाए जब बच्चों को पढ़ाया जाए कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी जब बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि मैथ रेसिस्ट है

हम बोर हो जाते हैं फिर वो नशे करते हैं इस वक्त और पढ़ना लिखना उन्होंने क्या आज वॉशिंगटन डीसी से दो कॉमे निकाल दी जाए अमेरिका शाम को बैंक हो जाए वो दो कॉमे कौन सी इंडिया और इसराइल आज यहूदी छोड़ दें वाशिंगटन डीसी और इंडियन छोड़ दें वाशिंगटन डीसी शाम को ये बैंक इस वक्त अमेरिका की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन और इनकी कारपोरेशन इज रन बाय इंडियंस क्यों वजह क्या है मैथ रेसिस्ट ये स्मोक वीड करेंगे या कारपोरेशन चलाएंगे क्या वजह है बहुत बड़ा सीक्रेट है इसके अंदर तो चीमा साहब ये जो सहारे आखिरी सहारे हैं इस इस वक्त जो जो इंडियन अमेरिकन भारती अमेरिकन भारतीय और जो इस चला रहे हैं ये ये के सहारे ये कब तक खड़े कि किन यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं या किन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं जो अमेरिकन ने बनाई है किन ऑर्गेनाइजेशन में करे हैं जो जो अमेरिकन ने खड़ी की है

मत अब दूसरी बात अगली मैं बात आपसे करना चाहूंगा माइक्रोसॉफ्ट गूगल के सी ने जाके इंडिया में कहा है हम एक लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे एक साल में अमेरिका में क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वजह यह तो यहाँ पे बच्चों ने पढ़ने छोड़ दिया चिम्बा साहब आप आप और मैं दोनों कट्ठे हार्वर्ड में गए थे वहाँ आपको कोई अमेरिकन नजर आता था पढ़ता था सिर्फ इंडियन बैठे थे और चाइनीज बैठे थे वहाँ पढ़ने आज अमेरिका से हमारे जितने भी संबंध अच्छे क्यों ना हो लेकिन हमें पता होना चाहिए अमेरिका का जो फायदा होगा वो वही जाएगा और ये रूल पूरी दुनिया पे लागू होता है कंट्रियों के बीच इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन होता है ये वही अमेरिका है जिसने पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिलकर खालिस्तान बनाया था आफ्टर 1971 वॉर जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और अमेरिका के साथ पूरा यूरोप पाकिस्तान के साथ खड़ा था उस वक्त अकेले यूएसएसआर ने भारत का साथ दिया था उसके बाद ही अमेरिका और पूरा यूरोप पीछे हटा था आज भारत और रशिया का रिलेशन और मजबूत हो रहा है और उसका कारण है ट्रेड भारत ने रशिया से ऑयल लेने में चीन को भी पीछा छोड़ दिया वही चीन अब अमेरिका के डर से रशिया से ट्रेड करने में घबरा रहा है चीन आजकल अपने रिलेशन यूरोप के साथ अच्छे कर रहा है हाल ही में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने फ्रांस का दौरा किया था भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ता देख अब रशिया ने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया है दो में इंडिया और रशिया का ट्रेड पचास बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया इन्हीं सबको देख चाइना समेत पूरी दुनिया हैरान है आपको इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही जय हिंद